नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय उचाना के अंदर मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जसवंत सिंह जी, जो एथलोन खेल संघ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और कबड्डी के कोच श्रीमान संदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खेलों से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और खेल से संबंधित बातचीत के लिए आज हम के साथ मौजूद हैं। जसवंत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आपसे जो खेलों के अंदर किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और किस तरह के सुधार खेलों के अंदर लाए जा सकते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? खेलों के अंदर बच्चों के अच्छे अच्छे प्राइज होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से, स्टेट, राज्य व नेशनल तक के अच्छे प्राइज करें, कैश देने चाहिए सभी को उसमें। और नौकरी जो ओलंपिक में मेडल आता है उसको डिप्टी डायरेक्टर या DSO भर्ती करे उसको सीधा, और वह कोच भी बना सकते हैं जो पार्टिसिपेंट हैं जो उसमें योग्यता है उसके अनुसार। हाँ, उनको DSP बना देते हैं। DSP में पुलिस में क्या करेगा उसको, उसमें उनको कुछ FIR भी नहीं लिखने आएगी, क्योंकि 15-20 साल से टच हो जाते हैं इससे, पढ़ाई से। तो खिलाड़ियों को उसी डिपार्टमेंट में डालो जिसमें वो काम करता है, और नीचे स्तर पर नर्सियाँ बनाएं। हर एक गाँव में खेल स्टेडियम होना चाहिए, उसमें जिस गाँव में जिस जो रुझान है उसी का वहाँ कोच हो और उसी अनुसार बोलना चाहिए। जो जिसको नॉलेज है उसको भी 10-15 हज़ार में सरकार रख सकती है उसको। तो आपको लगता है इस नीति से यदि सरकार चलती है तो क्या बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है? बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी सर, और बच्चे भी नशा से दूर रहेंगे, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। तो जसवंत जी के अलावा हमारे साथ चर्चा में संदीप जी मौजूद हैं, जो कोच की भूमिका निभा रहे हैं कबड्डी कोच के रूप में। तो संदीप जी, आपके पास क्या सुझाव है, खेलों के अंदर किस तरह से सुधार लाया जा सकता है? सर, जैसे सबसे पहले तो मैं खेल संघों की बात करूंगा। आजकल जो हमारे लगभग सभी गेम्स के जो खेल संघ हैं उनमें राजनीति का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो चुका है और भ्रष्टाचार। तो मेरा सुझाव है सरकार को कि एक तो जो खेल संघ है उनको सबको ख़त्म करके एक साझा स्पोर्ट्स काउंसिल बना देनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस भी पार्टी की सरकार आती है, अगर खेल संघ भी उसी पार्टी के अनुसार चलेगा तो इससे एक तो खिलाड़ियों में जो संशय है कि हम किस फेडरेशन से खेलें, किससे ना खेलें, एक तो सबसे पहले तो वो दूर होगा और जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं वो उभर के सामने आएंगे। जी, और ड्रग्स की बात की जाए या मादक पदार्थों की बात की जाए, बहुत से खिलाड़ी अपने भविष्य को ख़राब कर लेते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसे है बात, जो ड्रग्स है या डोपिंग है ये आजकल के युग में खेलों में एक बहुत भयंकर बीमारी का रूप धारण करती जा रही है। तो मेरा सरकार से सुझाव है कि कम से कम जो स्टेट लेवल पर जो प्रतियोगिताएं होती है किसी भी प्रकार की गेम्स की, कम से कम उनमें डोपिंग की जो व्यवस्था अगर हो जाए तो उससे मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक हम डोपिंग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ चर्चा में शामिल, खेल चर्चा में शामिल जसवंत सिंह जी और संदीप जी। दोनों ने खेल के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यदि खिलाड़ियों को अंदर जो योग्यता है उनके अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से खेलों के अंदर बेरोजगारी की समस्या से तो हम निपट ही सकेंगे, साथ ही साथ युवाओं के हुनर को भी तराशा जा सकेगा। इसके अलावा संदीप, जो हमारे कबड्डी के कोच हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, इनका कहना है यदि खेल संघों को ख़त्म करके एक संघ, जो भी सरकार सत्ताधारी पार्टी है उसके अनुसरण में एक संघ की जो खेल संघ है उसके साथ जोड़ दिया जाए और उसके माध्यम से युवाओं को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से खेलों के अंदर से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और राजनीति को ख़त्म किया जा सकता है। उचाना खुर्द से संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य।